जी तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जो अपने हॉर्न यानी सींगों की वजह से बहुत मशहूर है। काफी लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। अगर कोई यकीन नहीं करता तो आप गूगल करके चेक कर लें कि उस जानवर के सींग की कीमत पर केजी के हिसाब से 60 लाख से शुरू होती है और 8 से 10 करोड़ तक जाती है। जी हाँ नाजरीन, सिर्फ उसके सींग की कीमत 60 लाख से लेकर 8 से 10 करोड़ के दरमियान है। तो आज हम उस मुनफरिद जानवर की बात करते हैं। हाजिर खिदमत है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइनोसोरस यानी गेंडा जानवरों की दुनिया का एक दिलचस्प और मौजजा आमेज जानवर है। ये एक बेनजीर जानवर है जिसका जिस्म मोटा, मजबूत और भारी होता है। राइनोस की पूरी दुनिया में 5 इकसाम पाई जाती हैं: व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, इंडियन राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनो। इन तमाम इकसाम में से सबसे वजनी इकसाम व्हाइट राइनो है और इनके सर पर पाया जाने वाला सींग भी तमाम नस्लों में से बड़ा सींग व्हाइट राइनो का होता है। व्हाइट राइनोसोरस साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे और तंजानिया में पाए जाते हैं। ये राइनोसोरस की तमाम इकसाम में से सबसे बड़ी इकसाम है और इन 5 नस्लों में से सबसे छोटी नस्ल सुमात्रन राइनोसोरस है। ये गेंडा इंडोनेशिया और मलेशिया में सुमात्रा और बोर्निया के जजीरे का रहने वाला है। सुमात्रन राइनोसोरस साइज के लिहाज से दुनिया में सबसे छोटी गेंडों की नस्ल है। इसी तरह ब्लैक राइनो साउथ अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, नमीबिया और जिम्बाब्वे में पाए जाते हैं और इंडियन राइनो इंडिया और नेपाल में और जावन राइनो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। राइनो ज्यादा गुस्सैल नहीं होते। अगर कोई इनको बार बार तंग करे या ये अपने लिए खतरा महसूस करें तब ये हमला करते हैं। राइनो अपने एरिया के हवाले से इंतहाई हसास होते हैं। अगर कोई दूसरा जानवर इनके एरिया में दाखिल होता है तो ये उस पर हमला करते हैं। राइनोसोरस की उम्र एक कदर मुख्तलिफ होती है लेकिन आम तौर पे 35 से 50 साल के दरमियान होती है। इसका वजन 2 टन से लेकर 3 टन के दरमियान तक होता है और इसकी ऊंचाई कद के मुताबिक 3 फीट से लेकर 7 फीट तक हो सकती है। राइनोसोरस को बचाने के लिए कई इकदाम उठाए गए हैं क्योंकि इसका शुमार खत्म होने के करीब है। इसकी ज्यादातर इकसाम खतरे में है। इसकी बड़ी वजह है गैर कानूनी शिकार और जंगलात की तबाही। राइनोसोरस की मुहाफजत के लिए इकदाम जारी है ताकि इनकी नस्लों को बचाया जा सके। इस वक्त राइनोसोरस यानी गेंडों की कुल तादाद 26,272 है। राइनोसोरस यानी गेंडों का रंग स्याह, गहरा सब्ज या सफेद होता है। गेंडे जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों में से तीसरे सबसे बड़े जानवर हैं। गेंडे की देखने की सलाहियत इंतहाई कमजोर होती है पर इनकी सुनने की और महसूस करने की सलाहियत बहुत अच्छी है। इनका सूर यानी सींग और बदन पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो इनको गर्मी में मदद फराहम करते हैं। गेंडे का सींग एक साथ मजबूती से बड़े हुए बालों से बना होता है जबकि गेंडे की नाक पर मौजूद गदूद से निकलने वाला कुदरती गोंद इन बालों को मजबूती से आपस में जोड़ देता है। राइनोसोरस अपने सींगों को दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं, गलबा हासिल करने के लिए और कभी कभार जड़ें खोदने के लिए और शाखें तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने बड़े साइज के बावजूद गेंडे 30 से 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं जबकि इन्हें खतरे से भागने की कोई जरूरत नहीं होती। गेंडा सब्जी खोर जानवर है जो बुनियादी तौर पर घास, पत्तों, शाखों और फलों को खाकर जिंदा रहते हैं। गेंडों की जिल्द नाकाबले यकीन हद तक मोटी होती है जो कुछ इलाकों में 2 इंच 5 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। ये सख्त कांटों, शाखों और यहाँ तक के कुछ शिकारियों से तहफ़ुज़ फराहम करती है। एक राइनोसोर आमतौर पर तकरीबन 15 से 16 माह के हमल के बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं। गेंडे एक से ज्यादा बच्चे को जन्म नहीं देते। गेंडे बेहतरीन तैराक हैं और अपनी बड़ी शक्ल के बावजूद आसानी से नदियों को अबूर कर सकते हैं। वो अक्सर पानी को शिकारियों से बचने या गर्म मौसम में ठंडा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थे मुख्तसर फैक्ट। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।